Subscribe to my channel and press the notification bell ताकि मेरी videos देखें आप सबसे पहले. Hello everyone and welcome back to my channel and assalam alaikum to everyone. अगर आप लोग मुझे जानते नहीं हैं तो मेरा नाम है निशु खान. मैं makeup and skincare related videos बनाती हूँ. So if you like me and like my videos, so kindly subscribe to my channel and like this video. आपको नहीं, बाइक वाले को. तो आज की video है एक fairness क्रीम के बारे में जो कि इंटरनेट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे वायरल हुई पड़ी है. बेसिकली आई नो फेयरनेस इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन जो प्यारा है वही दुलारा है, क्योंकि मुझे देखने को यही मिला है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में. वही प्यारा होता था, वही स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फेमस होता था, यानी टीचर्स भी उन्हें ही बोलती थी फलाने जाओ ये काम करो, यानी हमें तो कोई घास भी नहीं डालता था उन दिनों में. तो आज मैं उन लड़कियों के लिए क्रीम बता रही हूँ जो कि फेयर होना चाहती हैं, उनके लिए नहीं बता रही जो कि ऑलरेडी फेयर हैं और फेयरनेस क्रीम को प्रमोट नहीं करना चाहती, पसंद नहीं करती. तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है गर्ल्स, आप कोई और वीडियो जाके देख लो. मैं सिर्फ उन लड़कियों की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि फेयर होना चाहती हैं और सोसाइटी के शाना बशाना चलना चाहती हैं. सो गर्ल्स, इफ़ यू want to see the fairness cream or its result and review and etc. then keep on watching and let's start the video. So first thing first, packaging की बात करेंगे. ये है Voox DD Cream. DD Cream basically baby cream और CC cream का combination होता है, जो कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. basically ये सिर्फ और सिर्फ एक fairness cream है जो कि आपको instant result देती है. जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर, famous होती है तो obviously उसके fake products निकलना शुरू हो जाते हैं. तो इसके भी बहुत सारे fake products हैं, जैसे कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इसका ओरिजिनल और ये है इसका फेक. अब ये ले कहाँ से सकते हैं, सबसे ज़रूरी बात ये होती है जो लड़कियाँ पूछती हैं सबसे पहले. तो इनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिए. अगर आपको पता नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है तो काइंडली इस वीडियो के टाइटल को क्लिक करें तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुँच जाएंगे. और ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में जो कि Voox DD Cream ओरिजिनल Voox DD Cream जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी सेल करते हैं. ये है इसकी पैकेजिंग, आप देखिए इसका लोगो जो है वो बाहर की तरफ है और थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है इसमें, और इसके साइड जो है वो इस तरह से है. बैक जो है दोनों की बिल्कुल सेम है, यानी जो इंस्ट्रक्शन इस पे लिखे गए हैं वही सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन इस पे भी लिखे गए हैं. इसका साइड जो है वो थोड़ा सा चेंज है, आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल का साइड है और ये फेक. फिर आते हैं ट्यूब्स की तरफ. तो ये है ओरिजिनल की ट्यूब और फेक की भी मैं दिखा देती हूँ कि फेक की ट्यूब कैसी है. फेक की ट्यूब भी बिल्कुल फेक ही लग रही है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक कैप जो है वो बहुत ही फेक लग रहा है, बहुत ही चीप क्वालिटी का लग रहा है, जबकि इसकी पैकेजिंग ओवरऑल एवरीथिंग इज सो गुड. और इसका मंकी आप देख सकते हैं, इसको जॉन्डस हो गया, इसके मंकी को बहुत ही येलो है. इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही क्रीमी है, ऑब्वियसली जैसे हर एक क्रीम का होता है. लॉन्ग लास्टिंग, यस सर्दियों में है ये लॉन्ग लास्टिंग, गर्मियों का पता नहीं क्योंकि गर्मियों में आता है बहुत ज़्यादा पसीना. तो गर्मियों में जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, ये मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत जल्द जब गर्मियाँ आ जाएंगी. आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ये Voox DD Cream अप्लाई की है, ब्लश, लिपस्टिक एंड हाईलाइटर एंड लैशेज, दैट्स इट, नथिंग एल्स. मैंने और कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ना फाउंडेशन ना कंसीलर, सिर्फ और सिर्फ यही डीडी क्रीम एंड ब्लश एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम लुकिंग. मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ इस डीडी क्रीम से. बेसिकली मुझे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्किन पहले से ही बहुत फेयर है. इसे अप्लाई किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ अप्लाई करके इसे. तो चलिए, क्रीम की हम बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी लेंगे बिकॉज लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे. और इवनली इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करके अच्छे से इसे मसाज करूँगी और मतलब ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. ये क्रीम बहुत ही जल्द अब्जॉर्ब हो जाती है फेस पे और बिल्कुल भी ग्रीसी, नो गर्ल, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगती.
और जो स्किन है यानी टू टोन स्किन हो या जो डिस्कलरेशन होती है फेस पे, उसको बहुत ही अच्छे से इवन आउट कर देती है, क्योंकि मेरे अपर आईलिड जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है मेरे स्किन टोन से, तो उसको बिल्कुल इवन आउट कर दिया था इसने। बाकी नेक प्रॉब्लम जो होती है, जिनको भी जिनकी नेक डार्क होती है स्किन से, उनके लिए क्रीम जो है बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि नेक पे अप्लाई करने के बाद मेरी नेक भी बहुत ही फेयर हो गई थी। ये क्रीम जो है ये फेयरनेस क्रीम है, इसमें कोई भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ इंस्टेंट फेयरनेस देती है आपको। तो मैंने अपने हाथों पे भी इसे अप्लाई किया और मेरे हाथों पे आप रिज़ल्ट देख सकते हो। वूक्स डीडी क्रीम ये बोलते हैं लाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मतलब कि आपकी स्किन को यानी अप्लाई करने के बाद वन टोन या टू टोन लाइट करता है और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन को थोड़ा बहुत ड्राई करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो ऐड करके अपनी स्किन पर अप्लाई करो, ताकि आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई ना करें, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है यहाँ फॉरहेड से। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे अप्लाई किया तो मेरा फॉरहेड जो है बहुत ही फ्लेकी लग रहा था, तो फिर मैंने जो है वूक्स डीडी क्रीम का बॉडी लोशन जो है इसमें ऐड किया एंड अप्लाई किया, एंड आई वाज लाइक वो गर्ल, माय हस्बैंड सेज दिस इज सो गुड, एंड जल्दी जल्दी अपने हाथों पे अप्लाई किया एंड सेड लुक एट मी, माय हैंड्स आर लुकिंग सो गुड, एंड आई सेड खुशफहमी इज अ गुड थिंग। सो ही सेड क्या बुराई है कि मैं भी अप्लाई करूँ, तो ऑब्वियसली बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स भी इसे अप्लाई कर सकती हैं। तो मुझे फेस पे जो है वो कोई इरिटेशन, कोई इचनेस कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग मुझे काइंडली बताइएगा कि आज मेरा मेकअप जो है वो किस तरह से लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है या नहीं। मैं तो खुद से बता रही हूँ क्योंकि शीशे में देख के मुझे अपना मेकअप बहुत ही प्यारा और बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिंपल लग रहा है विद ऑल दिस। सो या मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी आपको ये क्रीम कि आप चेकआउट करो, क्योंकि यही है ओरिजिनल वूक्स डीडी क्रीम। अगर किसी को धोखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी फेक क्रीम्स ये सेल आउट हो रही हैं 2000-3000 में, बेचारी लड़कियाँ जो लुट चुकी हैं, सो आई एम सो सॉरी फॉर यू गर्ल्स। फिर बात करते हैं इनके बॉडी लोशन के बारे में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो वाइटनिंग क्रीम जो है मैं डेफिनेटली किसी को दूंगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। बॉडी लोशन की बहुत ज़रूरत होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हाथ पाँव जो है वो बहुत ही ड्राई एंड फ्लेकी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बॉडी लोशन मस्ट यूज़ करते हैं, चाहे गर्मियों में करें या ना करें। तो मैं रिकमेंड करूँगी वूक्स डीडी क्रीम, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन जो है वो बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गई है। आप लोग सब जानते हैं कि वूवू का वाटर सीक्रेट बॉडी लोशन जो है वो मेरे हस्बैंड ले चुके हैं, तो मुझे तो कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए था, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉडी लोशन, क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है, जैसे बेबी के चीक्स नहीं होते, सेम एज इट इज़। तो इसमें जो है वो वाइटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ना इसके ही ना वूक्स डीडी क्रीम के इंग्रेडिएंट्स जो है बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, और ये बिल्कुल ही वीगन प्रोडक्ट्स हैं, यानी एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट नहीं है ये। बाईफार मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इन सब में से। ये 250 ग्राम जार है, ये फुल जार, और मुझे ये जार ही बहुत पसंद है। लाइक लुक हाउ क्यूट इट इज, क्यूट सी। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर बाकी लोशंस की तरह है, और अप्लाई करने के फौरन बाद ही ये स्किन में बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इट स्मेल सो गुड, आई डोंट नो कि आप लोगों की इसकी स्मेल अच्छी लगेगी या नहीं, बट आई लाइक इट सो मच। तो फिर बात करते हैं इनके नेक्स्ट प्रोडक्ट की, और वो है ये वूक्स डिटॉक्स चारकोल। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, लेकिन मैं इसको टेस्ट आउट करके आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि ये प्रोडक्ट भी किस तरह से है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज देयर वूक्स डीडी सोप। एक्चुअली ये करता क्या है, ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है, रेडियंट करता है और एक्नी फ्री स्किन करता है, यानी अगर आपके स्किन पे एक्नी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, फ्रेकल्स को रिमूव करता है। बेस्ट बेस्ट थिंग, जो कि काफ़ी लड़कियाँ मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि बताएं फ्रेकल्स कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये फ्रेकल्स भी रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स भी रिमूव करता है, एलिमिनेट
एक्नी, वही सेम बात कि एक्नी को रिमूव करता है और पोर्स को जो है वो बहुत ही स्मॉल कर देता है। ये नहीं लिखा गया कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, लेकिन पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। सेंसिटिव स्किन के लिए जो है इनका ये सोप जो है बहुत अच्छा है। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही मुझे एक्नी है, ना ही ब्लेमिशेस, ना ही स्कार्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डेफिनेटली मैं किसी कज़न पे से ट्राई करूँगी और आपको सच्ची मुची वाला जो है वो रिव्यू दूँगी, क्योंकि बस यूं ही बैठ के रिव्यू देना इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड आप लोगों को झूठ बोलना नॉट माई थिंग। तो ये है सोप इनका, जिसकी स्मेल, ओ माई गॉड, इसकी स्मेल, ओ माई गॉड, आपको बता नहीं सकती कि इसकी स्मेल कितनी अमेजिंग स्मेल है इसकी। माई गॉड, ओ माई गॉड, फेक मैंने आपको बता दिया, फेक से बचो गर्ल्स, फेक इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। ये थे चारों प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बता दी, माई फेव एंड माई फेव ऑल्सो, बट आई डोंट नीड इट राइट नाउ। तो मैं इसे करूँगी, कुछ सोचूंगी, आप लोग बताएं, सजेस्ट करें कि मैं गिव अवे में इंक्लूड करूं या अपनी कज़न को गिफ्ट करूं। सो कमेंट डाउन बिलो, ये लिंक वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। चुप कर जा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।